भाई नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और आज जैसे कि हम आप जानते हैं कि हम हर दिन नए नए विषय पर बात करते हैं आज भी ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं जिसमें आप को जानकारियां जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं कैसे हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं वो काम करते हैं या फिर नए नए युवाएं जो है खेती में जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं और मुख्य रूप से आज विषय के बारे में अगर हम बात करें तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम प्रगतिशील किसान से जो कि कृषि कर्मण अवार्डी हैं चंद्रशेखर तिवारी जी से मुलाकात करने वाले हैं सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नहीं आप रिटायर प्रोफेसर हैं एवं कृषक हैं नरसिंहपुर से आपको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है दो में और ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है सर कृषि के क्षेत्र में और जैसे कि हम जानते हैं कि अच्छा कार्य अगर हम करते हैं तो हमें कोई ना कोई अवार्ड्स मिलता है तो ये जो अवार्ड है आपको मिला है और सबसे पहला प्रश्न सर मेरा ये बनता है कि अवार्ड जो आपको मिला है ये आ, मतलब शुरुआत कैसे हुई आपको और क्या आपने ऐसे कार्य किए जिसमें आपको ये अवार्ड मिला मैंने उन्नीस में एमए करने के बाद जी. खेती शुरू की जी खेती में मुझे शुरू में मैंने बड़े उत्साह से खेती की हुँ. और चूंकि मेरे पास इरिगेशन नहीं था जमीन में जी. तो मुझे इनिशियली इनिशियल स्टेज में बड़ी असफलताएं मिली खेती में जी। मैं खेती से बड़ा घबराया कि मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया उसी समय मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई मैं लेक्चरर हो गया खेती में मतलब एग्री उसमें डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जी। तो मुझे बड़ी तसल्ली ये थी कि मैं जीवन यापन का कोई साधन तो है बिल्कुल उसके साथ मैंने फिर खेती को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जी। और मैंने खेती में मेहनत करके इरिगेशन डेवलप किया इरिगेशन डेवलप करने के साथ साथ मैंने नई नई टेक्निक्स भी अडॉप्ट की खेती की और तब जाके मैं वर्तमान स्थिति में पहुँचाऊँ तब जाके वर्तमान जैसे सर ने कहा कि शुरुआत में जो जब युवाओं की बात करें तो थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है कि यार खेती हमने चुन लिया है और असफलताओं का तो दौर जो रहता है वो हर चीज़ में रहता है शुरुआत में रहता है लेकिन उसको पार करके जो सफलता प्राप्त करना होता है वो अपने आप में एक चीज़ होती है और आज रिजल्ट जो है उसका आप सब देख ही रहे हैं तो दो में आपको सर अवार्ड मिला तो आपने किस चीज़ के लिए वो अवार्ड मिला है सर

चना मैंने बोया उसमें मैं स्वयं विश्वास नहीं कर रहा था जी, जी तो चने का उत्पादन इतना कभी मुझे मिल सकता जी ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि सत्ताईस क्विंटल प्रति एकड़ की अगर हमें उत्पादकता मिल रही है चने से 315 चना सर ने बोया और हरी खाद के बारे में आप बात करें हरी खाद को आपने इस्तेमाल किया गोबर की खाद के साथ साथ में हरी खाद एक अपने आप में बहुत ही अच्छा विकल्प है सर इसके अलावा जैसे कि सिंचाई की बात करें तो क्या कितनी सिंचाई रखी आपने उसमें? दो बार पानी दिया गन्ने में चने में जी तो आपने दो बार पानी देके और उसको, उसको <coughs> है प्रति एकड़ की दर पाके और आपने उसमें अवार्ड भी लिया है बिल्कुल आ, सर हाँ अभी आप हम चर्चा कर रहे थे आपने कहा था कि सब्जियों की खेती भी आपने शुरुआत की थी कि सब्जियों की खेती में आपको कैसे इंटरेस्ट आया और फिर कैसे किया आपने मेरा निवास जो नरसिंहपुर में है जी। उसके आसपास तेरह एकड़ जमीन थी जी। दो कुएं थे उनमें मैंने इनिशियली सब्जी की खेती प्रारंभ की थी मेरी और जमीन बाकी की तीस तीस किलोमीटर दूर ग्राम, ग्राम मुगली में है जी। तो वो असिंचित थी नरसिंहपुर में मैंने उस जमीन से जो मेरे बंगले का कंपाउंड था उसमें मैंने सब्जियों खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया और अच्छी आमदनी प्राप्त की जी। मगर जो गांव की जमीन थी वहाँ मैं सब्जियों का उत्पादन नहीं कर पाया क्योंकि उसके बेचने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था कोई मार्केट उसका नहीं था जी। तो वहाँ मैंने गेहूँ चना ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उनकी उनका ही उत्पादन लिया जी बिल्कुल जिस तरीके से परंपरागत जो शुरुआत होती है खेती में वो आपने से शुरू शुरु की शुरुआत की बात करें सर सब्जियों की बात आपने बताया कि हमने लगाई सब्जियाँ परंपरागत खेती की जब शुरुआत की आपने तो मुख्य रूप से फसलें कौन कौन सी थी और शुरुआत कैसे की आपने परंपरागत फसलें थी गेहूँ चना धान इनकी मैंने खेती शुरू की तो शुरू में बड़ा सेटबैक मिला मुझे एक तो उत्पादन सही नहीं मिला दूसरा इनके बेचने का कोई साधन पर्याप्त नहीं था सर जैसे कि आपने कहा कि परंपरागत खेती आपने शुरुआत की और दिक्कतें भी थी उत्पादन उतना नहीं मिल पा रहा था तो आ, मतलब क्या ऐसे वजह थी जिससे उत्पादन उतना नहीं मिल पा रहा था परंपरागत में सिंचाई उपलब्ध नहीं थी सिंचाई जब तक खेती में सिंचाई का साधन ना हो जी, तब तक खेती आसमानी सुल्तानी वाला मामला है जी। खेती में जब तक सिंचित न हो जमीन आपकी तब तक आप आ, उत्पादन उतना नहीं, हाँ, पाते उत्पादन नहीं ले सकते बिल्कुल तो ये जो है परंपरागत खेती की हम बात कर रहे थे जैसा कि सर वर्तमान की अगर बात करें क्योंकि वो उस समय की बात है जब हमारे पास सिंचाई उपलब्ध नहीं थी जी आज आपने कहा कि सिंचाई उपलब्ध हो हमारे पास हो गई है पानी की पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास आ गई है तो जैसे अभी आपने कहा धान की अपने बात की है और अभी वर्तमान में देखें तो धान काफी किसान भाई जो है धान लगा रहे हैं तो धान अभी वर्तमान की बात धान आपकी कैसे लगाते हैं आपको क्या उसमें रिजल्ट रहते हैं अभी मैं बासमती की सोलह सैंतीस किस्म लेता हूँ जी और इसको मैं ट्रांसप्लांटिंग पद्धति से ज्यादा बोता हूँ रोपा लगा के बीस बीस बाईस दिन के जब रोपा हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट करता हूँ हु। इसका उत्पादन अच्छा मिलता है और सीडल से अगर लगाई जाए धान तो इसमें निश्चित रूप से उत्पादन पर्याप्त तो नहीं मिल पाता लोग कहते जरूर हैं कि ट्रांसप्लांटेड पेड़ी और आ, सीड्रिल से बोई गई धान में उत्पादन में कोई फर्क नहीं आता बट आई डोंट बिलीव इट जी आता जी। है उसमें अंदर हाँ। तो आता है उत्पादन में। बिल्कुल तो जैसे सीड्रिल से बोते हैं तो उतना उत्पादन नहीं मिल पाता है और अगर परम्परागत लगाते हैं तो वो ज़्यादा उत्पादन मिलता है आ, सर और कोई किस्म है जो आप लगाते हैं पर्टिकुलर आपके क्षेत्र में आपके खेतों में आप क्या जी और कोई ऐसा कोई जो किस्म है धान की जो आप लगाते हैं जो ज़्यादा उत्पादन नहीं हो या फिर आप उसको अच्छा निकाल पाते हो जबलपुर यूनिवर्सिटी की 206 जो है जी जे आर दो सौ जी ये किस्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैंने बासमती को छोड़ के दो दो सौ छः किस्म अपनाई है जी इसमें एक तो रोग बीमारी नहीं है अच्छा रोग बीमारी ना होने से आपकी एनर्जी जो है वो दुनिया भर की दवाइयाँ डालने के में लागत पर, में बड़ा फर्क आता है तो ये 206 जो है आपकी जबलपुर यूनिवर्सिटी से जो निकली हुई है जी वो जी बहुत अच्छी किस्म है बहुत अच्छी उसको आप प्लांटेशन के थ्रू लगाते हैं या फिर आप सीधी बुआई करते हैं उसको नहीं सीधी बुआई हम कम करते हैं जी और ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादा करते हैं जी जी अच्छा उसको सर बेचने की बात करें अगर हम जैसे हम पूसा की बात करें पूसा जो किस्में आती है पी वी होता है सोलह सैंतीस होती है तो वो आप डायरेक्ट उसको आप बाजारों में बेच सकते हैं तो क्या ये 206 भी हम बाजारों में बेच सकते हैं बाजार में आराम से बिक जाती है सर हम्म और हम लोग तो वैसे समर्थन मूल्य पे भी बेच देते हैं उसको जी समर्थन मूल्य पे आराम से बिक जाती है वो उत्पादन उतना ही होता है और मेन चीज अगर अगर रोग नहीं लगते हैं तो ये जो आपकी दवाइयों का खर्च है ये बच जाता है और धान में निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि ज्यादा जो है दवाइयों पर खर्च ज्यादा होता है अगर आप उससे बच जाते हैं तो आपका उत, जो मुनाफा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है बढ़ जाता है बिल्कुल।, बिल्कुल ये परंपरागत जो कुछ खेतियां हैं इनकी हमने बात की चने की बात की गेहूं की बात की और धान की, धान की 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 मुख्य रूप से बात हमने की। ये तमाम जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सर को अगर अवार्ड मिला है तो सर ने किस तरीके से खेती की शुरुआत की वो हमने जाना सर इसके बाद हम अभी गन्ने के बारे में अगर हम बात करें कि गन्ना जो आपने एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया विस्तार किया है गन्ने के क्षेत्र में तो गन्ने की शुरुआत कैसे हुई आपने गन्ने की फसल को कैसे आपने देखा हमने ये देखा सर के कोई किसान के पास ऐसी फसल होना चाहिए जो कि मौसम की मार को सह सके प्रकृति की मार को सह सके और किसान को एक स्थायी लाभ का साधन दे सके बिल्कुल इसके लिए मैंने गन्ने की फसल को ही पसंद किया जी गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जो न तो अतिवृष्टि में मारी जाती है न ज्यादा सूखे में मारी जाती है ये निश्चित रूप से किसान को एक मुनाफा देके जाती है देखे दे जाने वाली फसल है बिल्कुल तो निश्चित रूप से मुनाफा देने वाली फसल को तो ज़रूर किसान भाइयों को अपनाना चाहिए नरसिंहपुर की बात करें नरसिंहपुर में जैसे कि आपने शुरुआत इसकी की जब आपने शुरुआत की थी क्या उसको उतना लगाया जाता था गन्ने को बहुत थोड़े इलाके में गन्ना होता था नरसिंहपुर में करेली के आसपास लोग गुड़ बना के बेच देते थे जी मुश्किल से रहा होगा तो हजार दो हजार एकड़ में रहा होगा गन्ना और आज गन्ना नरसिंहपुर में सत्तर हजार एकड़ में गन्ना है ओ, काफी बढ़ गया इसका। जी यही वजह है कि वहाँ पे मिलें आ गई शुगर मिल्स आ गई और चार पांच शुगर मिल्स काम कर रही है गन्ने में मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि गन्ना की मिलें जो आ गई है ये किस किसान को कोई मतलब ऐसी वगैरह की फैसिलिटी नहीं दे रही है जिससे कि कोई आगे जाके गन्ने का भविष्य या किसान का किसान को एक स्थायी लाभ के लिए कुछ प्रदान कर सके हाँ हाँ कुछ स्थायित्व तो प्रदान कर सके जी चलिए तो ये जो है गन्ने के बारे में हम बात कर रहे थे किसान भाइयों चर्चा को हम और भी जागे, आगे जारी रखेंगे फिलहाल अरे सुन तो। मुझे के सुनाना चाहते हो जो मेरी स्वतंत्र को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है हुँ? अच्छा ये बात है हाँ क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील किसान चंद्रशेखर तिवारी जी से जो कि कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजे गए हैं और इनको ये अवार्ड मिला है इनकी खेती के लिए क्योंकि खेती के लिए अवार्ड मिलता है तो इन्होंने उत्कृष्ट कार्य खेती में किए हैं और अपने आप प्रूफ किया है कैसे हम खेती किसानी से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अच्छी उत्पादकता भी ही ले सकते हैं और उससे हम अपना जीवन यापन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए किसान भाई अगर आप खेती को करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके सामने जरूर आता है सर गन्ने की बात कर रहे थे हम गन्ने को किस तरीके से आपने लाए जैसे आपने कहा कि शुरुआत में अगर हम बात करें तो दो एकड़ अप्रोक्स लगता है नरसिंहगढ़ में और आज जो है वो रकबा जो है सत्तर एकड़ में जाके लगने लगा है तो प्रारंभिक अवस्था में सर गन्ने की फसल कैसे लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे नरसिंहपुर के अलावा पूरा एमपी देख रहा है हमारा ये जो प्रोग्राम है पूरा इंडिया देखता है तो ऐसे में शुरुआत कैसे करें गन्ने की सर ये किसान भाइयों के लिए एक विषय रहता है गन्ने की शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा साधन सिंचाई उपलब्ध होना चाहिए गन्ने बिल्कुल गन्ने गन्ना तब तो तक किया जा सकता है जब पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जी तो हम जमीन की तैयारी करते हैं जमीन की तैयारी में करने में अच्छा उत्पादन लेना हो तो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट जमीन का ऊंचा होना चाहिए बिल्कुल। इसके लिए या तो देसी खाद हो आपके पास गोबर का खाद नहीं है तो आप ग्रीन मेड से उसको कर सकते हैं। तो हरी खाद जो रहती है ढेंचा हो गया सन बोदिया जो दिया जमीन में तो इससे अगर ऑर्गेनिक कंटेंट जमीन का हाई है आपका तो गन्ने का उत्पादन आप अच्छा ले सकते हैं जी बिल्कुल तो मतलब तैयारी जो है शुरुआत में हमें ज़मीन से करना चाहिए और हरी खाद या फिर गोबरी खाद से उसको ट्रीटेड करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से हो सर किस्मों की बात क्या करें तो आप कोई अनुसूचित जो किस्में होती हैं उनके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे में गन्ने में नरसिंहपुर में हमारे यहाँ अभी तक तो जो आठ हजार किस्म है जी। वो अच्छा परफॉर्म कर रही है जी। वो बढ़िया चल रही है और बड़ी उसको बड़ी आप लगाते हैं जी।, जी तो ये आ, किस्म जो आप लगाते हैं इसको किसी तरीके जैसे हम हम जानते हैं कि परंपरागत खेती या फिर कोई भी खेती हम करते हैं तो हम बीजोपचार जरूर करते हैं तो क्या गन्ना की फसल में भी बीज उपचार जैसी कोई चीज बहुत जरूरी बीज उपचार जी गन्ने की फसल में बीज उपचार का बड़ा भारी रोल है और गन्ने की फसल गन्ने का बीज उपचार करने के उपरांत ही उसको लगाया जाना चाहिए तो ये किसान भाई जिस तरीके से हमने बातचीत की और जाना कि कैसे आप अच्छा कार्य करके उसके कार्य करके आप इसमें अवार्ड ला सकते हैं और हमने चंद्रशेखर सर से बात की किस तरीके से उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो शुरू की और आज उस यात्रा में उनको अवार्ड मिला है और ये काफ़ी सम्मानजनक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने एक्सपीरियंस आपके शेयर किए और हमारे किसान भाई को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने बताई हैं और स्टूडियो में आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद किसान भाइयों ये थे हमारे साथ कृषि कर, कर्मण अवार्ड सम्मानकर्ता चंद्रशेखर तिवारी जी जो कि नरसिंहपुर से थे उन्होंने अपने विचार जो है वो यहाँ पर शेयर किए और आज इस कार्यक्रम में इतना ही अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए खुश रहिए और बने रहिए नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों खबर खेती की मैं आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं कृषि की कुछ खास खबरों पर कृषि विभाग एवं नेफेड के बीच समझौता बाढ़ प्रभावितों किसानों को 202 करोड़ की सहायता दलहन तिलहन को के मुफ्त बीज मिनीकेट देने पर जोर ब्रोकली का उत्पादन असंचित गेहूं का उत्पादन अब खबरें विस्तार से कृषि विभाग एवं नेफेड के बीच समझौता इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स आई वाई ओ एम दो हज़ार तेईस के उत्सव के लिए मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में कृषि विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तावित इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की पहल को ध्यान में रखते हुए दोनों संगठन मिलिट्स आधारित उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मिलकर काम करेंगे आई वाई ओ एम दो हजार तेईस पूरे विश्व में मनाया जाएगा भारत विश्व मानचित्र पर पोषक अनाजों को लाने के लिए कमर कस रहा है कृषि विभाग और नेफेड कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे मूल्य संवर्धित मोटे अनाज आधारित उत्पादों के निर्माताओं प्रोसेसरों को परामर्श सहायता उपलब्ध कराना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के पैनल में शामिल स्टार्टअप्स सहित अन्य स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग विशेष रूप से मोटे अनाज आधारित उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए एफ का गठन नेफेड बाजार भंडारण और नेफेड से जुड़ी अन्य संस्थाओं के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर मोटे अनाज आधारित वेंडिंग मशीनों की स्थापना के माध्यम से मोटे अनाज आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना विपणन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे बाढ़ प्रभावितों किसानों को 202 करोड़ की सहायता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मानसून में अधिक वर्षा के कारण जहां शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं वहीं ग्रामीण अंचलों में किसान वर्ग को अतिवृष्टि के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मुख्यमंत्री ने बाढ़ अतिवृष्ट अतिवृष्टि से प्रभावित रहे मध्य प्रदेश के 19 जिलों विदिशा सागर गुना रायसेन दमोह हरदा मुरैना छिंदवाड़ा आगर मालवा बालाघाट भोपाल अशोकनगर सीहोर नर्मदापुरम भिंड श्योपुर राजगढ़ बैतूल और सिवनी जिले के प्रभावित किसानों के खाते में 202 करोड़ चौंसठ लाख रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफ़र की अतिवृष्टि के अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित जिलों का का प्रभावित रकबा लगभग दो लाख दो हेक्टेयर है मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद ग्रामों में फसलों की क्षति का सर्वे करवाकर ग्राम पंचायत में सूची भी प्रदर्शित की गई थी मकानों के क्षतिग्रस्त होने और सामग्री के नुकसान और पशु हानि के लिए पहले तैतालीस करोड़ सतासी लाख रुपए राशि दी जा चुकी है अब एक लाख इक्यावन हजार सात सौ पचपन कृषकों के खाते में सहायता राशि डाली गई है राज्यों के मानसून की कमी वाले क्षेत्रों को देखते हुए दलहन और तिलहन के बीच मिनीकेट उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रही है राष्ट्रीय बीज निगम एन एस नेफेड आदि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मिनीकेट दिए जा रहे हैं सरकार ने 2022-23 के दौरान दलहन को बढ़ावा देने के लिए 11 राज्यों के लिए उड़द के चार दशमलव चौवन लाख बीज मिनीकट और मसूर के चार दशमलव शून्य चार लाख बीज मिनीकट आवंटित किए हैं इसका उद्देश्य विशेष रूप से बारिश की कमी वाले क्षेत्रों में जल्दी बुवाई के लिए है इसमें उत्तर प्रदेश में एक लाख ग्यारह हजार पाँच सौ तिरसठ में बारह हजार पाँच सौ और बिहार में बारह हजार पाँच सौ नक का वितरण करना है सरकार 2022-23 तक एक विशेष कार्यक्रम टी एम अरहर मसूर उड़द तीन भी लागू कर रही है जिसके माध्यम से मसूर के तहत 120 जिले और उड़द के तहत 150 जिलों को अधिकतम कवर प्रदान करके इन लक्षित जिलों में दलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा जा रहा है तिलहन को बढ़ावा देने के लिए लगभग आठ दशमलव तीन लाख बीज मिनी किट वितरित किए जाएंगे इनमें सरसों के पाँच लाख पचहत्तर हजार मूंगफली के सत्तर हजार पाँच सौ सो, सोयाबीन के एक लाख पच्चीस हजार कुसुम के 32500 और अलसी के 26000 मीनीकेट शामिल हैं जो किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे गत वर्ष सरकार ने रबी में सरसों मिशन को लागू किया इसके परिणाम स्वरूप इसकी खेती के रकबे में प्रतिशत और उत्पादन में 15% वृद्धि हुई इस वर्ष तो 2022-23 में विशेष कार्यक्रम के तहत 18 राज्यों के 301 जिलों में सरसों की 26 लाख 53100 रासी बीच मिनी किट के वितरण के लिए 50.41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ब्रोकली का उत्पादन ब्रोकली विदेशी सब्जी है जिसका उपयोग सलाद तथा सूप के लिए किया जाता है वर्तमान में इसकी काश्त हमारे देश में भी होने लगी है ब्रोकली हरी सफेद तथा बैगनी होती है इसमें से हरी ब्रोकली ज्यादा प्रचलित है इसकी अगेती मध्यम तथा देरी से लगाने वाली किस्म जैसे कि ग्रीन अर्ली, ग्रीन स्प्राउटिंग तथा स्प्राउटिंग इत्यादि लगाई जा सकती है ब्रोकली की खेती के लिए रेतीली भूमि उपयुक्त है जिसमें अच्छा जीवांश हो लगाने का उपयुक्त समय अक्टूबर नवंबर है नर्सरी अक्टूबर में लगाकर पौध तैयार करें एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है क्यारियों में 45 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 30 सेंटीमीटर पौध से पौध का अंतर रखें यूरिया 260 किलो 375 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एक किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें रुपाई के 70 से 75 दिन बाद से कटाई शुरू की जा सकती है फूल बनने के पहले तक ही कटाई करना चाहिए असिंचित गेहूं का उत्पादन असिंचित क्षेत्र में गेहूं का भरपूर उत्पादन किया जा सकता है भूमि की नमी संरक्षित करने मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए पाटा चलाएं असंचित क्षेत्र में 15 से 31 अक्टूबर तक बोनी कर सकते हैं दीमक के नियंत्रण के लिए 5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफोस दवा से प्रति किलो बीज उपचारित करें इसके बाद थाइरम या कार्बेंडाजिम की तीन ग्राम मात्रा से प्रत्येक किलो बीज का उपचार करें इसके बाद फफून नाशक दवा से उपचारित करने के बाद गेहूं को अजिटोबैक्टर एवं पीएसबी कल्चर से 10 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करने के बाद बोनी करें किसान भाई 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोनी करें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है असिंचित क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन लेने वाले किसान भाई 40 किलोग्राम नत्रजन 20 किलोग्राम स्फुर एवं 10 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है यह पूरी मात्रा बोनी के साथ ही उपयोग करें उन्नत किस्मों के लिए एच डब्लू दो अमर जे डब्ल्यू सत्रह सौ अपनिल एच आई पंद्रह सौ अमृता अथवा एच डी चार हजार छः सौ बहत्तर का चयन किया जा सकता है खबरें खेती में इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार